और निक्की मर्डर केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हत्या वाले दिन का निक्की का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में निक्की आप देखेंगे कि साफ नजर आ रही है। ये वीडियो 9 फरवरी के दो अलग अलग समय का सीसीटीवी फुटेज है। इस वीडियो में आप देखिए, एक सीसीटीवी फुटेज में दोपहर के 1:10 का समय दिख रहा है, जिसमें निक्की घर के अंदर सीढ़ियों पर चढ़ती नजर आ रही है। वहीं जो दूसरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो रात 9:27 का है, जिसमें निक्की घर से बाहर निकलती नजर आ रही है। तो माना जा रहा है कि इसी के बाद आरोपी साहिल ने निक्की का मर्डर किया था। दोपहर के करीब 1:10 से लेकर रात के 9:30 तक का जो सीसीटीवी का क्रम है वो सामने आया है। देखिए, दोपहर 1:10 का जो ये वीडियो है उसमें निक्की आपको सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई, अपने घर जाती, अपने फ्लैट में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं रात 9:27 का भी एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें निक्की घर से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। तो ये जो समय था दोपहर से लेकर रात तक का, इसमें क्लियर है कि कोई हादसा नहीं हुआ। तो क्या साहिल ने, जो कि उसका लिव इन पार्टनर था, उसने इसके बाद हत्या को अंजाम दिया? फिलहाल पुलिस जो है इन तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाल रही है और सीक्वेंस तैयार कर रही है। और इस बीच निक्की के परिवार का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। परिवार को इस रिश्ते की कोई जानकारी ही नहीं थी, ये तथ्य अब सामने आ रहा है। और साथ ही निक्की के एक रिश्तेदार ने बताया है कि रविवार को उसके पिता से निक्की की बात भी हुई थी। रविवार के बाद से निक्की से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। साहिल के पास फोन था उसका, ये बात भी सामने आ रही है। और साहिल से बात हुई तो उसने बताया कि वो कहीं गई हुई है। बात करने की कोशिश की उसका, फिर वो फोन भी ढूंढा गया कि कहाँ है फोन, उसका फोन तो मिलना चाहिए। फिर उसके दोस्तों से किसी से पता लगा कि भाई जो है ना वो साहिल के पास है उसका फोन। फिर साहिल से संपर्क किया, जैसे किसी से नंबर पूछ के उसके दोस्तों से ही कि भाई साहिल नाम का कोई है, उससे बात की, वो बोले मेरे पास है उसका फोन और दो दिन में आ जाएगी। अच्छा, ये बात पुलिस तक कैसे पहुंची कि जो है ऐसा ऐसा हो गया है? आपकी तरफ से बताया गया? आपने नहीं, हमें नहीं बताया गया। हम तो उस पर यूँ कह रहे थे, चलो दो दिन में कह रहा है, दो दिन में आ जाएगी। फिर उसके जो है ना फादर ने उसको पुलिस को सूचना दी है कि इसने मर्डर कर दिया। और दिल्ली में श्रद्धा जैसे इस भयानक हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। पता ये चल रहा है कि 5 दिन की पुलिस कस्टडी में आरोपी को भेजा गया है। निक्की यादव मर्डर केस में इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरोपी साहिल को 5 दिन की कस्टडी में भेजा गया है और कल दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने साहिल को इस हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। 5 दिन की पुलिस कस्टडी में निक्की के पार्टनर साहिल को भेजा गया है। निक्की यादव मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। आरोपी साहिल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। आरोपी को अब पुलिस कस्टडी में इसकी पूछताछ होगी और जो घटनाक्रम है पूरा पुलिस उसे जानने की कोशिश करेगी। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी है, पुलिस को रिकवरीज करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी, पता करना कहाँ क्या हुआ, उस बेसिस पर 5 दिन की पुलिस रिमांड, पुलिस कस्टडी दी गई है। इसी मिलान तो सर, वो कहाँ क्या करना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं, कुछ बताया है सर? जो भी रिगार्डिंग इंसिडेंट, जो भी पेंडिंग ट्रायल इन्वेस्टिगेशन जो उनको करना है, रिकवरी करनी है, रिकवरी करनी है, कहाँ गई, क्या हुआ, जो भी। तो आरोपी को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। वहीं निक्की मर्डर केस में पुलिस का भी बयान सामने आया है। क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी रविंद्र यादव ने बताया कि हमारी टाइमिंग एकदम सही थी, हमने समय पर इस हत्या का पता लगा लिया। अगर उसने शव का निस्तारण किया होता तो डीएनए मैच नहीं हो पाते, सबूत इकट्ठा करने में और आरोपी से उन्हें जोड़ने में समय लग सकता था। देखिए, ये आदमी उधेड़बुन में था, क्योंकि एक तरफ ये 9 तारीख को सुबह इसकी एंगेजमेंट हो रही है, सगाई हो रही है, 9 तारीख की शाम को उसके पास आता है जब वो उसको कन्फ्रंट करती है कि मैंने ऐसा सुना है। वो कहता नहीं नहीं, मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है।
पहले गोवा का प्लान बनाते हैं, फिर हिमाचल का प्लान बनाते हैं, और ये कह के निकलता है कि मैं तेरे को 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर घुमा के लाता हूँ, तेरा दिमाग अपसेट है, वो ठीक हो जाएगा। और उसी दौरान ये दिल्ली में कि बस अड्डे चलते हैं, वहाँ चलते हैं, और उसका मर्डर करके ये करता। अगले दिन सुबह शादी में चला जाता है बारात लेके 10 तारीख को। अब ये आदमी ढाबे को इसने बंद किया हुआ है, लेकिन इसके दिमाग में उधेड़बुन यही है कि किस प्रकार से बॉडी को डिस्पोज हो जाए। तो क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी का बयान आपने सुना। वहीं इस केस से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि आरोपी साहिल की कार भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी की कार को बरामद किया है और हत्या में इस्तेमाल इस कार की बरामदगी अब हो चुकी है। पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है कि किस तरह से, किस षड्यंत्र के चलते साहिल ने अपनी पार्टनर निक्की का मर्डर किया।